सैकड़ों लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ऋषभ देव और सराड़ा क्षेत्र के लोगों ने पैराडाइज फाइनेंशियल सर्विसेज से प्रधान सेवक रोजगार योजना और मुख्य सेवक लोन योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए आवेदन किया, जिसमें सभी ने आवेदन के साथ 500 रुपए और बाद में मार्जिन मनी के रूप में 5000 रुपए जमा करवाए। इसके बाद 15 दिनों में जब लोगों के लोन की राशि नहीं आई तो सभी लोग ऑफिस पहुंच गए, जहां उन्हें ऑफिस बंद मिला। इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया और बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष सभी ने पेश होकर कार्रवाई की मांग की। मामला ये है कि आज करीब 25 से 30 लोग एक कंप्लेंट लेकर मेरे पास इस संदर्भ में आए कि पैराडाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि अरमान कॉम्प्लेक्स मेवाड़ मोटर गली पर ऑफिस है, इन लोगों द्वारा हमको प्रधानमंत्री भामाशाह ऋण योजना और मुख्यमंत्री ऋण योजना के नाम पे इन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया था जनवरी 2019 में। और जनवरी 2019 में विज्ञापन देने के बाद जब इन लोगों ने अखबार में विज्ञापन पढ़ा, विज्ञापन को देखकर ये लोग मेवाड़ मोटर्स स्थित कार्यालय आए और कार्यालय आने पर उन लोगों ने इनको ये बताया कि 1 लाख से 5 लाख तक के हम लोन प्रोवाइड कराते हैं, जिस पर 35% की सब्सिडी रहेगी। और उस सब्सिडी की बात सुनकर इन्होंने सारे दस्तावेज अपने, जिसमें कि आधार कार्ड के अलावा मतदाता परिचय पत्र और अपने खाली रिक्त हस्ताक्षर चेक वगैरह इन लोगों को जमा कराए। ये कराने पर इन लोगों ने इनको कहा कि हम एक्चुअली समूह के रूप में ऋण प्रोवाइड कराते हैं, तो हम आपके कार्यक्षेत्र में आकर हम कैंप प्लेस का आयोजन करेंगे और कैंप प्लेस का आयोजन करके हम समूह में मैक्सिमम लोन बांटेंगे। इस पर पैराडाइज फाइनेंशियल सर्विसेज के रितेश चौधरी करके, और इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम श्री रूपचरण है, जो कि एक छद्म एडवोकेट है, जो अपने आप को एडवोकेट बताता है, जो वास्तविकता में कोई एडवोकेट नहीं है। ये लोग अपने स्टाफ के साथ सराड़ा गए। सराड़ा में श्री कालू भाई नाम के व्यक्ति के यहाँ पे इन्होंने मीटिंग की। वहाँ ढेर सारे लोगों को इन्होंने बुलाया, लोन से संबंधित स्कीमें दी कि हम आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं, और उस सारी बातों को सुनकर सभी लोग इनके मेवाड़ मोटर्स गली पे आए, जहां पर इन लोगों ने 500 रुपया आवेदन शुल्क के नाम पे और 5000 रुपया मार्जिन मनी के रूप में जमा कराने को इन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने पेमेंट की रसीदें जारी की और इनको कहा था कि जब भी आपका लोन सैंक्शन होगा आपके मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आएंगे। तो स्पेशल नंबर से इनके नंबर पे मैसेज आया जो दिखाता है कि प्रधानमंत्री लोन योजना के अंतर्गत ही आपका लोन सैंक्शन हुआ है। उसको देखकर सभी लोगों ने 5000 रुपए जमा करा दिए। जब काफी दिनों बाद भी इन लोगों को जब लोन की राशि इनके खाते में क्रेडिट नहीं हुई, तो कुछ ही दिन पहले ये आए उसी कार्यालय गए और उसी कार्यालय जाकर जब इन्होंने देखा तो वहां तो ऑफिस ही बंद है। सभी लोगों के दस्तावेज पेमेंट ये जमा करा चुके हैं, ऑफिस इनके बंद हो चुके हैं। इस संदर्भ में फिर इन्होंने जो श्री प्रमोद सामर करके जो मकान मालिक है उस व्यक्ति से संपर्क किया, तो उन्होंने भी यही दो टूक जवाब दिया कि वो तो ऑफिस बंद हो गया, हम क्या करेंगे। इस संदर्भ में सभी लोग आए और आज इस कंप्लेंट को लेकर के इन्होंने इस तरह की धोखाधड़ी की है। और इस संदर्भ में आज भारतीय दंड संहिता की धारा 120, 415, 420, 406, 464, 467, 468 और 471 के अंतर्गत जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने के लिए सभी लोग एक साथ प्रस्तुत हुए, जो मैं दस्तावेज अपनी रिपोर्ट आज जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार 25/8/2017 को भी सूरजपोल थाने क्षेत्र के अंतर्गत इसी प्रकार की नटराज गली स्थित में इसी सेम धोखाधड़ी के लोग शिकार हुए थे, जिस संदर्भ में भी हमने जिला पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दी थी, पर उस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी कारण अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही है और आर्थिक अपराध इस रूप से बढ़ते जा रहे हैं।